ब्रो, मैं हूँ राजेश और आज मैं आपको साउथ के 10 ऐसे मूवीज के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। इन मूवीज में आपको अच्छा खासा लव स्टोरी, कॉमेडी, ड्रामा, थोड़ा बहुत एक्शन के साथ एक ऐसा स्टोरी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा जो आप लोगों के दिल को छू जाएगा। इन मूवीज में आपको कुछ बिल्कुल ही नए मूवीज देखने को मिल जाएंगे और कुछ ऐसे मूवीज देखने को मिल जाएंगे जिन्हें तो देखना अनिवार्य है, आई मीन मस्ट वॉच मूवीज मिल जाएंगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, सोलो ब्राथू के सो बेटर 2020 में रिलीज हुए एक रोम कॉम ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको साई धर्मतेज, नभा नतेश जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की तो अपने इस मूवी का जो हीरो है विराट, वो अपने कॉलेज लाइफ से सख्त लौंडा है। ना कोई लड़कियों का चक्कर, ना कुछ और लड़कियों के बारे में उसे मतलब कोई लेना देना नहीं। पर मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब इसी चीज के लिए वो फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता है। वो प्रॉब्लम क्या है, उसे आगे और प्यार होता है कि नहीं, और बहुत सारे ड्रामा, इमोशंस और आगे मूवी में क्या होता है ये आपको मूवी में देख लेना है। मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा मजा आएगा इस मूवी को देखने के बाद। अच्छा खासा लव स्टोरी, कॉमेडी, ड्रामा देखने को मिल जाएगा जो आप लोगों को पक्का पसंद आएगा। 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। नंबर 9, नर्तनशाला 2018 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको नागा सूर्य, आकाश मीरा और यमिनी भास्कर जैसे और भी कई एक्ट्रेस देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो राधा कृष्णा जो कि अपने इस मूवी का हीरो है, वो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की क्लास देता है, पर वो एक लड़की से प्यार भी आगे जाके करता है। वो तो सब कुछ सही चल रहा होता है पर उसके घर वाले उसकी शादी और एक लड़की के साथ तय कर देते हैं और उसी वजह से आगे वो जो करता है सब बहुत सारा कॉमेडी क्रिएट होता है मूवी में। मैं बोलूंगा आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन होगा, आई मीन इस मूवी को देखने के बाद आप बहुत ज्यादा एंटरटेन होगे। देखो स्टोरी कॉन्सेप्ट में दम नहीं है, सब लोगों को पता है, पर ये मूवी देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा। 3.9 आउट ऑफ 10 IMDb और 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 8, उपेना 2021 में रिलीज हुई कमाल का रोमांटिक ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी और विजय सेतुपति जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की तो अपना इस मूवी का हीरो होता है अस्सी, वो एक लड़की से प्यार करता है संगीता जो कि बड़ी घर से होती है, आई मीन बड़ी जात से भी होती है, और अपना अस्सी गरीब और छोटी जात से भी होता है, और उन दोनों की लव स्टोरी, समाज, हीरोइन के पिता और भी बहुत कुछ है इस मूवी में जिससे आप इस मूवी से रिलेट कर पाओगे और ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, मैं लिख के देता हूँ। इस मूवी का इमोशन आपको फील होगा यार, और गाने तो मस्ती है। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ, इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस मूवी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया, तो हाईली रेकमेंडेड है, बिल्कुल भी मिस मत करना, कैसे भी करके देख लेना। नंबर 7, लव स्टोरी 2021 में रिलीज हुई प्योर रोमांटिक ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको नागा, चैतन्य, साई पल्लवी जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की तो अपना इस मूवी का हीरो जो है वो एक जुम्बा टीचर होता है, मतलब लड़कियों को जुम्बा सिखाता है, मतलब उसका डांस क्लास ऐसे ओके ओके टाइप चल रहा होता है, पैसे ज्यादा खासा नहीं आ रहे होते हैं, पार्टनरशिप की वजह से जो कि हीरोइन होती है और हीरोइन की पार्टनरशिप की वजह से उसका धंधा चलने लगता है, और आगे वो दोनों कैसे प्यार में पड़ते हैं, उनके साथ और क्या होता है, और इस मूवी में आपको छोटी जात, बड़ी जात ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ इस मूवी में दिखाया गया। मैं बोलूंगा ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, आज ए लव स्टोरी मूवी, ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb से और 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया। तो अगर इस मूवी को देखना चाहते हो, ये मूवी सेम टाइम के साथ हिंदी में यूट्यूब पर प्रीमियम अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मिस मत करना, कैसे भी करके देखना। नंबर 6, द्वारिका 2017 में रिलीज हुई प्योर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको विजय देवरकंडा, पूजा झावेरी और प्रकाश राज जैसे और भी कई एक्ट्रेस देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की तो अपना इस मूवी का जो हीरो होता है वो चोर होता है, वो चोरी करता है, और एक बार वो चोरी से बचने के लिए गलती से एक साधु, आई मीन बाबा बन जाता है, और उसी से रिलेटेड कुछ लोग उसे मतलब प्रोफेशन बना लेते हैं, गलत काम करने लगते हैं उससे, मतलब धंधा कर देते हैं, बिजनेस बना लेते हैं उसे, जो कि हीरो को पसंद नहीं आता, उसके लिए वो क्या करता है, इसी बीच उसे प्यार हो जाता है, और भी बहुत कुछ है इस मूवी में। और इस मूवी का एक डायलॉग मुझे याद है, मतलब बहुत कमाल का लगेगा, व्हाट इज लव वाला, आप सुन लेना जाके, अगर देखना चाहते हो, देखा नहीं है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड तो नहीं करूंगा। स्टोरी ओके ओके टाइप है, पर अगर आप एक लव स्टोरी मूवी ढूंढ रहे तो इसे देखो, मजा आएगा। 4.8 आउट ऑफ 10 IMDb और 69% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। प्रेम मिशन के साथ हिंदी में यूट्यूब पर प्रीमियम अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 5, एनजी के 2019 में रिलीज हुई एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सूर्या, साई पल्लवी, रकुल प्रीत सिंह जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो पहले तो एनजीके का फुल फॉर्म है नंदा गोपाल कुमारन, जो कि अपना इस मूवी का हीरो है, उसका नाम है नंदा गोपाल कुमारन, जो कि एक सोशल वर्कर होता है, लोगों की मदद करता है, सब कुछ उसके लाइफ में सही चल रहा होता है, पर सिचुएशन कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ता है। इसके लिए वो आगे क्या करता है, उसके साथ आगे क्या होता है, और उसकी थोड़ी बहुत लव स्टोरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस मूवी में आपको थोड़ा बहुत लव स्टोरी देखने को मिल जाएगा। फिर भी इस मूवी में है क्या, मतलब हाँ स्टोरी कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत दम है, पर लोगों को एंटरटेनमेंट तो करना चाहिए ना, इसीलिए बोलता हूँ अगर सूर्या के फैन हो तो इस मूवी को देखो, बाकी मत देखो यार। 6.3
3/10 IMDb से और 75% Google users ने इस मूवी को पसंद किया। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। नंबर 4 कृष्णा अर्जुना युद्धम 2018 में रिलीज हुई रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको अनुपमा परमेश्वरन, न्यानी और ब्रह्मा जी जैसे और भी कई एक्टर देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो कृष्णा और अर्जुन दिखने में जो एक तरह होते हैं, जबकि कृष्णा गांव में होता है, अर्जुन उस टाइम पे फॉरेन में होता है, पर उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है, वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, किस चक्कर में क्या हुआ होता है। और इस मूवी में आपको बहुत ही कमाल का लव स्टोरी देखने को मिल जाएगा, वो भी एक नहीं दो दो लव स्टोरी मूवी, थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक्शन और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, जो आपको इस मूवी को आखिर तक देखने के लिए बांध के रखेगा, मतलब पसंद आएगा ये मूवी आपको। अगर आपने अभी तक देखा नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ आपने देखा नहीं होगा वो गलत हो, क्योंकि ये मूवी बहुत पॉपुलर मूवी है, आप लोगों ने देखा ही होगा। 5.8/10 IMDb और 83% Google users ने इस मूवी को पसंद किया है। तो ये मूवी YouTube पर फ्री में अवेलेबल है सेंटर के साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। नंबर 3 कुंजम कुंजम 2017 में रिलीज हुई प्योर रोमांटिक ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको गोकुल कृष्णा और मर्सिना नीनू जैसे और भी कई एक्ट्रेस देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की तो जबकि ये मूवी एक अंडररेटेड रोमांटिक अंडररेटेड लव स्टोरी मूवी है, तो उस हिसाब से तो इस मूवी में आपको अच्छा खासा लव स्टोरी देखने को मिला है। हाँ, वो अलग बात है, स्टोरी कॉन्सेप्ट में दम है और आपको पसंद आएगा या नहीं ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि पसंद तो सबकी अलग अलग होती है ना। फिर भी अच्छा मूवी है, एक तमिल मूवी है और अपना हीरो जो है उसका डेब्यू मूवी है, था 3-4 साल पहले, था 5 साल पहले शायद था। बाकी अच्छा मूवी है, 6.7/10 IMDb और 74% Google users ने इस मूवी को पसंद किया। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, ये मूवी छोरा कमांडर के साथ हिंदी में YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लें। नंबर 2 DJ टिल्लू 2022 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धू नया सेट्टी और प्रिंस सेल्सिल जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना इस मूवी का जो हीरो है वो एक टाइप का प्ले बॉय होता है और मतलब काम धाम के नाम पे ज्यादा कुछ करता नहीं, अपने लाइफ में बर्बाद होता रहता है। समझ सकते हो, प्ले बॉय क्या क्या करता रहता होगा, लड़कियों के पीछे भागना, ऐसा करना वैसा करना, पर उसके लाइफ में आगे कुछ ऐसा होता है, क्या होता है आपका मूवी में देख लेना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। भाई मैं लिख के देता हूँ इस मूवी के स्टोरी कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा दम हो या ना हो, ये मूवी आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा, मैं लिख के देता हूँ। तो हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको लव स्टोरी मूवी देखना है तो इस मूवी को देखो। ये मूवी अनऑफिशियली हिंदी डब्ड हुआ है, जो कि ऑफिशियली यूट्यूब पे तो अवेलेबल नहीं होगा, अनऑफिशियली होगा, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। 7.4/10 IMDb और 95% Google users ने इस मूवी को पसंद किया है, बाकी देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। नंबर 1 RRR 2022 में रिलीज हुई एक हिस्टोरिकल एक्शन फैंटेसी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में तो आपको बड़े बड़े स्टार्स की भरमार देखने को मिल जाएगा, लाइक NTR रामाराव NTR जूनियर, रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जबकि मैंने बोला हिस्ट्री पर बेस्ड है, तो थोड़ा बहुत फैंटेसी मिलाया गया है और हिस्ट्री की सच्ची घटनाएं उठाया गया है, ऐसे ही बनाया गया है। रिकॉर्ड में 25 को कर रहा हूँ, 25 मार्च को जिस दिन ये मूवी रिलीज हुआ है, बाकी मैं तो 26 को देखने जा रहा हूँ, तो जिस दिन ये वीडियो आएगा मैं उस दिन देख के आऊंगा, बाकी उसके बाद और एक वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। बाकी आपने अगर अभी तक सिनेमा हॉल्स में टिकट्स बुक नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हो यार, इस मूवी को हॉल्स में नहीं देखोगे तो किस मूवी को देखोगे जाके। हाईली रिकमेंड करता हूँ इस मूवी को, आपको हॉल में देखना है, बाकी पैसों वैसों का चक्कर है तो समझ लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी आपकी मर्जी भाई, मैं तो रेकमेंड करूंगा हॉल में जाके देखो। बाकी अगर पर्सनली कनेक्ट करना है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पॉपअप हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। तो कितने मूवीज देख चुके थे, कितने मूवीज आगे देखोगे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, प्लीज।